हेलो गाइस, मैं हूं सार्थक कपूर। ये है ए टू जेड मार्केटिंग सीरीज और आज का हमारा टॉपिक है हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी हम अपनी बिजनेस की ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो हमारे पास दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि जो हमारा टारगेट ग्रुप है हम एकदम उसको नीश कर दे, एकदम उसको सिलेक्ट कर दे कि यार यही एक सेट ऑफ कस्टमर्स है जिनको मेरे को अपनी एड्स दिखानी है या जिनको मेरे को ब्रांडिंग के अपने एफर्ट्स लगाने हैं। जो हमारा दूसरा ऑप्शन होता है ये होता है कि हम बहुत एक बड़े सेट ऑफ ग्रुप पे एक बहुत लार्ज ऑडियंस को अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, अपनी ब्रांड के बारे में बता रहे हैं। जो हमारी हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग होती है उसमें जो हमारा दूसरा वाला स्टेप है हम उसको चूज करते हैं कि बहुत अलग अलग टाइप के लोग जिनका इंटरेस्ट में भी अलग अलग सेक्टर्स में है, हम उनको अपनी ब्रांडिंग करते हैं, उनको अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं। हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, अलग अलग कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करते हैं और अपने जो मार्केटिंग एफर्ट्स हैं वो उनके साथ करते हैं। इसमें हम दोनों अपने जो रिसोर्सेज हैं दोनों अपने रिसोर्सेज कंबाइन करेंगे, दोनों अपनी जो एक्सपर्टीज है उनको कंबाइन करेंगे और एक बहुत बड़े सेट ऑफ ऑडियंस को हम दोनों अपनी जितनी भी ब्रांडिंग है उनके एफर्ट्स से लाएंगे। इसको चलो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे 2006 के अंदर नाइक और अमेज़न इन दोनों ने अपनी एक पार्टनरशिप करी थी और एक नया प्रोडक्ट दोनों ने बनाया नाइक प्लस के नाम से। नाइक प्लस क्या था, वो हमारे शूज़ के अंदर एक स्पेशल चिप डली हुई थी जो चिप हमारे आईपॉड के साथ कनेक्ट हो जाती थी। उसमें क्या होगा, जैसे ही हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो जितने भी हमने किलोमीटर्स ट्रैवल करे हैं या जो भी हमारी स्पीड है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे आईपॉड के अंदर आ जाती थी और जो हमारी आईपॉड के अंदर अगर हमने कोई स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई हुई है तो वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाती थी। बेसिकली हमारा आईपॉड और हमारे शूज़ दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते थे। अगर हम इसका कोई रीसेंट एग्जांपल देखें तो नाइक और एप्पल की पार्टनरशिप में क्या हुआ है, अगर हम एप्पल की वॉच देखेंगे तो उसमें एक स्पेशल नाइक एडिशन आता है। उस नाइक एडिशन के अंदर जो हमारा बैंड है वो भी नाइक का स्पेशल ब्रांड होगा जिसमें उसकी ब्रांडिंग हुई होगी, प्लस साथ में जो हमारे फेसेस हैं जो हमारे वॉच के अंदर फेसेस आते हैं वो भी नाइक के, हमें स्पेशल फेसेस मिलते हैं एप्पल वॉच के अंदर। बेसिकली इस टाइप की पार्टनरशिप में क्या हुआ, जो भी फिटनेस फ्रीक लोग हैं जिन लोगों को फिटनेस में इंटरेस्ट है एप्पल ने उन लोगों को टारगेट किया जो उनके आईपॉड से वो ज़्यादा सेल होंगे उन फिटनेस वाले लोगों में, और जो ऐसे लोग हैं जिनको म्यूजिक सुनना पसंद है यहाँ पे मौका मिला नाइक को अपनी एडवर्टीजमेंट करने का। जो भी म्यूजिक सुनने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं यार नॉर्मल शूज़ तो हमने पहन नहीं है, चलो नाइक वाले शूज़ ले लेते हैं, इसमें तुम्हारे शूज़ हमारे आईपॉड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो जो हमें फीचर्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। बेसिकली ये क्या है, जैसे हमारे फ़ोन में आजकल GPS चिप होती है इसमें पूरा आ जाता है कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उन्होंने वही चिप अपने शूज़ के अंदर डाल दी और एक नया प्रोडक्ट कैटेगरी बना दी नाइक प्लस के नाम से। इसका जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है जॉनसन एंड जॉनसन जो एक हेल्थ केयर कंपनी है उसका, और गूगल का जो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। इन दोनों ने मिलकर अपने रिसोर्सेज को कंबाइन किया और ऐसे एफिशिएंट रोबोट्स बनाए जो जो हमारी रूटीन सर्जरीज है उनमें डॉक्टर्स की हेल्प करेंगे। तो बेसिकली ये एकदम हेल्थ केयर इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं कि जो हमारे रोबोट्स हैं वो हमारी सर्जरीज करेंगे। जैसे कोई माइनर सर्जरी है या कोई बहुत रूटीन सर्जरी है तो वो डॉक्टर बहुत इजीली इन रोबोट्स की हेल्प से अपनी सर्जरी कर सकता है। तो बेसिकली इससे टाइम भी सेव हो रहा है और एफर्ट्स भी कम लग रहे हैं। इस टाइप की मार्केटिंग में दो कंपनीज अपने रिसोर्सेज कंबाइन करती हैं, अपनी एक्सपर्टीज कंबाइन करती हैं, वो अपने प्रोडक्ट में नए नए चेंजेस लेके आती हैं या जो अपनी वो एडवर्टीजमेंट कर रही हैं वो दोनों साथ मिलकर एडवर्टीजमेंट करती हैं। इसका जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है टेकिंग एडवांटेज ऑफ न्यू ट्रेंड्स। क्या हुआ, एक बार 1982 के अंदर कोका कोला ने देखा यार लोग ना अपनी फिटनेस के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, लोग अपनी हेल्थ के ऊपर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं और जो हमारी ड्रिंक है उसकी कंजम्पशन कम कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, छोटी छोटी कंपनीज के साथ मिलके ऐसा अपना एक नया टाइप का प्रोडक्ट निकाला डाइट कोक करके। कोक ने क्या कहा कि जो हमारा नया प्रोडक्ट आया है ये ऐसे एकदम अनहेल्दी भी नहीं है और लोगों को कम हार्म करेगा। तो इससे जो भी एक नया ट्रेंड मार्केट में आया हुआ था कि लोग अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा ध्यान दे रहे थे उसका यूज़ करते हुए कोक ने अलग अलग ब्रांड्स के साथ मिलकर अपना नया प्रोडक्ट निकाला और इसकी भी अपनी मार्केटिंग कर ली। इसका जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है एक्सपैंडिंग टू न्यू लोकेशन। इसमें क्या कर रही है, अगर सपोज कोई ब्रांड इंडिया में बेस्ड है उसको किसी बाहर की कंट्री में एक्सपैंड करना है तो क्या करेगी, वहाँ पे जो कंपनी पहले से एस्टैब्लिश्ड है मे बी वो हमारे सेक्टर में हो सकती है हमारे से दूसरे सेक्टर में होगी, उस कंपनी के साथ हम पार्टनरशिप करेंगे एंड उस दूसरी कंपनी की एक्सपर्टीज यूज करके हम एक नए एरिया में बहुत इजीली एक्सपैंड कर लेंगे। इसमें बेसिकली क्या हुआ, हमारे रिसोर्सेज कम खर्च होंगे, हमें ये नहीं देखना पड़ेगा यार वहाँ पे कल्चर कैसे हैं वहाँ के ट्रेडिशंस कैसे हैं, हमारा जो भी मार्केटिंग प्लान है या जो भी हमें रिसर्च करनी है उस एरिया के बारे में, क्योंकि हम एक नई कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं जो वहीं पे बेस्ड है जिसको पता है पहले से कि वहाँ के ट्रेडिशंस क्या है वहाँ के कल्चर क्या है, तो हम जब उनकी एक्सपर्टीज यूज करेंगे तो दोनों का मिला के हमारा जो ओवरऑल मार्केटिंग कैंपेन है उसमें पैसे भी कम स्पेंड होंगे और जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे आएंगे। इसमें जो हमारा लास्ट टाइप आता है
वो आता है एक्सपैंडिंग थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। इसमें बेसिकली कंपनीज क्या करती हैं, अपने सेक्टर की जो अलग अलग कंपनीज हैं उनके साथ मर्जर कर लेती है या उनको एकदम एक्वायर कर लेती है। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लेके चलूँ तो 2010-11 में फेसबुक एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया का जाइंट बन गया था। बहुत जल्दी से फेसबुक ग्रो हो रहा था एंड फेसबुक बहुत एक ब्रॉड कैटेगरी के लोगों को टारगेट कर रहा था। फेसबुक का बेसिकली ये मतलब था कि जितने भी लोगों को अपने फोन के थ्रू सोशलाइज करना है उसके लिए फेसबुक यूज करें। पर उसकी दूसरी तरफ इंस्टाग्राम अभी अभी स्टार्ट हुआ था एंड इंस्टाग्राम का बेसिकली फोकस था कि जिन लोगों को अपने मोबाइल फोन से फोटोज खींचना पसंद है, अपने दोस्तों को फोटो शेयर करना चाहते हैं तो वो इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं। उस टाइम पे इंस्टाग्राम कोई फेसबुक का ऐसे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं था, बट फेसबुक ने कहा अगर मैं इंस्टाग्राम को भी एक्वायर कर लूंगा तो जो मेरा मार्केट शेयर है वो इंक्रीज हो जाएगा और मैं एक नई कैटेगरी के लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकता हूँ एंड उन लोगों को भी अपने फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे ला सकता हूँ। तो बेसिकली उन्होंने इंस्टाग्राम को एक्वायर किया और फेसबुक का जो ओवरऑल ब्रांड है उसको इंक्रीज कर लिया। तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग के अंदर हम बहुत अलग अलग कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, कोलैबोरेशंस कर रहे हैं एंड जो उनका टारगेट कस्टमर है उसको भी अपने बारे में बता रहे हैं, अपनी ब्रांड की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं एंड बेसिकली एक बहुत डाइवर्स कैटेगरी के लोगों को अपनी ब्रांड के बारे में बता रहे हैं। तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।